असलम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद ईशान और आप देख रहे हैं WCU चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंटेशन, कि हम किस तरह प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और हमारा प्रेजेंटेशन क्या होता है और किसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम अपने कंप्यूटर के गूगल वेब ब्राउज़र पर आते हैं। तो चलो, ये हमारे गूगल ब्राउज़र पर हम आ गए। यहाँ पर हम लिखते हैं canva.com। canva.com में अगर आपका अकाउंट ना हो तो वो अकाउंट आप बना भी सकते हैं। और मेरा जो है वो हमने प्रो के लिए वो फीस भरी हुई है, तो इसलिए मेरा प्रो डायरेक्ट वो लग गया। तो ये हम आपकी पर्पल कलर का बटन दिख रहा होगा जिस पर क्रिएट इन डिज़ाइन लिखा हुआ है। आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ डायरेक्ट प्रेजेंटेशन 4x3 भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दूसरा वो भी है जो प्रेजेंटेशन 16x9 है। 16x9 वो प्रेजेंटेशन है जो हम मल्टीमीडिया पे करते हैं, और प्रेजेंटेशन 4x9 वो प्रेजेंटेशन है जो हमारे कंप्यूटर पर हम करते हैं। तो हमारा जो है, हम प्रेजेंटेशन 4x9 पे क्लिक कर देंगे। फिर हम लेफ़्ट साइड में देखते हैं कि क्रिएटिंग डिज़ाइन में हम आते हैं। डिज़ाइन में आपको टेम्पलेट्स में आपको मुख्तलिफ बने बनाए टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जिसमें आपको वो सब कुछ बना बनाया होगा। आपको जस्ट उसमें सिर्फ अपनी वो डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आप जो कर सकते हैं वो मतलब आपका जो कमी है उसका सारा डिटेल्स और वो सारे आप यहाँ पर लिख लेंगे। हम जैसे देख सकते हैं जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो ये हमारे सारे जो वो प्रो जो वो हैं वो हमारे साथ यहाँ दिए गए हुए हैं। तो ये हमारे साथ बने बने टेम्पलेट्स दिए गए हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और इसे यहाँ पे लाते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे साथ इसकी पूरी डिटेल दी गई है कि पहले हम बिजनेस प्रपोजल करेंगे, फिर उसके बिजनेस प्रपोजल के हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद इस कंपनी के जो कंपनी है उसके बारे में कुछ बताएंगे, इस कंपनी का जो फाउंडर है उसके बारे में बताएंगे, फिर फाउंडर की जो टीम है उसके बारे में, फिर कंपनी के जो गोल्स हैं जो कंपनी अपनी अचीव करना चाहती है वो बताएँगे, कंपनी सर्विसेज बताएंगे, कंपनी क्या क्या हमें प्रोवाइड करती है, और फिर बेस्ट अचीवमेंट जो कंपनी ने मतलब वो आप जैसे देख सकते हैं कि कंपनी ने क्या क्या हासिल किया है वो हम यहाँ पे उसका हमारे साथ वो यहाँ पे टेम्पलेट दिया गया है। फिर यहाँ पे ये टर्मिनल दिया गया है जिसमें आप कंपनी के कुछ जो मतलब आपकी सर्विसेज हेल्पलाइन जो हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, फिर गेट इन टच जो आपको सर्विसेज के बारे में बताएंगे आप। अब हम यहाँ पे मेन पेज पे आते हैं। तो मेन पेज में ये हमारे साथ ये बना बनाया वो दिया गया है। तो हम ऐसे करते हैं कि अपना एक बनाते हैं। तो हम अपना जब बनाएंगे तो आप जैसे देख सकते हैं कि अपलोड फाइल में हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप ज़रा नीचे आएंगे, अपलोड फाइल में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो तस्वीर, मेरा जो ये तस्वीर है मैं इसे यहाँ से लाता हूँ और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा यहाँ पे फिट हो जाएगा। फिर हम इसे नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल एक लाइन में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे बार स्पेसिंग बार में, तो ये हमारे साथ लेटर स्पेसिंग में आ जाएंगे। लेटर स्पेसिंग में थोड़ा हम उसे कर देंगे और फिर लाइन स्पेसिंग, फिर हम यहाँ पे आकर इसे थोड़ा वाइड कर देंगे, जैसे कि ये एक उसमें आ जाएंगे।
पे क्लिक करके हम लैंडस्केप को दोबारा सेव कर लेंगे और फिर हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा वो कर लेंगे। ये हमारे साथ तो आ गया। फिर हम इसको यहाँ इस स्कूल का जो ब्रांड है वो हम लगाएंगे, तो हम इसे डिलीट कर देंगे, इसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे और फिर हमारे साथ जो ये दिया गया है जो मैंने पहले उसमें अपलोड किया था उसे हम यहाँ पे जाएंगे और इसे स्मॉल करके यहाँ पे इसको इसे स्मॉल करके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ ले गए, लेकिन इसका जो आउटर लाइन है ये वाइट है और ये थोड़ा सा ये डार्क वाइट है और ये सिर्फ वाइट है, तो हम इसकी बैकग्राउंड को हटा देंगे और यहाँ पे हम ये कैनवास सिस्टम पे आकर यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर को क्लिक कर देंगे। ये हमारे साथ इसका इसने वो हटा दिया, हम इसे डन कर देंगे। ये हमारा इसका जो है वो बैकग्राउंड रिमूव हो गया और ये इसके साथ बराबर हो गया। अभी हम यहाँ पे इसकी ईमेल फिर हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम फिर डिज़ाइन में जाते हैं। डिज़ाइन में हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम इस स्कूल का एक वो डालेंगे, हम इसे कैसे डिलीट कर देंगे, इसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे। इसे ट्रांसपेरेंट करने के बाद हम इसे का लोगो डाल देंगे। ये लोगो हमने यहाँ डाल दिया। अब इसे थोड़ा सा वो कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये फिर से, तो हम इसे और फिर से बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। इसका इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, तो फिर हम डन कर देंगे। डन के बाद इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसके क्या क्या वो है, कि आप यहाँ पे मतलब स्कूल के जो इंट्रोडक्शन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हम दूसरे पेज में आते हैं। दूसरे पेज में हम इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्कूल के बारे में थोड़ा बताएंगे कि स्कूल में क्या क्या है, तो हम उसके लिए भी एक पिक्चर वो कर देंगे कि ये स्कूल ऐसा है या वैसा है जैसा है। तो आप अपलोड फाइल में हम जाते हैं। अपलोड फाइल में हम इसका हम इसके लिए एक पिक्चर यहाँ लाएंगे, हम इसे यहाँ पे डाल देंगे। इसके लिए भी हम इसे हटा देंगे, इसे हम ये हटा देंगे, इसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे और इसके लिए लोगो ले आएंगे। लोगो यहाँ पे हमने लिया है, तो ये जो है आप जैसे देख सकते हैं कि 50 और ये सब ग्लोरी, हम इसे यहाँ पे इसको हटा देंगे, इसकी बैकग्राउंड रिमूवर। तो ये हमारे साथ हो गया। तो आप स्कूल के बारे में जो लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हम दूसरे टेम्पलेट को लाते हैं। टेम्पलेट में इसके फाउंडर को बताएंगे कि इसका फाउंडर कौन है और इसने क्या क्या किया है। तो उसके बाद हम दूसरा पेज क्लिक करेंगे, फिर आवर टीम के बारे में, या आवर टीम के बजाय हम यहाँ पे इसकी टीचर्स के बारे में भी लिख सकते हैं कि टीचर्स टीम या टीचर्स टीम के इनका कौन कौन सा टीम है। तो यहाँ पे हम अपलोड में आते हैं, तो अपलोड में ये हमारे साथ मेल टीचर आ जाएंगे। ये हमारे मेल टीचर हैं, टीचर्स ये हमारे साथ मेल टीचर्स हैं और ये हमारे साथ स्कूल में टीचिंग करते हैं। फिर प्रोफेशनल यानी प्रोफेशनल टीचर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे, प्रोफेशनल टीचर्स। तो इस तस्वीर को चेंज करके हम ये वाले प्रोफेशनल टीचर ले आएंगे। फिर हम यहाँ पे फीमेल टीचर ले आएंगे, जो फीमेल टीचर्स हैं। फीमेल टीचर्स, फिर ये हम इन टीचर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये टीचर्स हैं। फिर हम इसे दोबारा चेंज कर देंगे ट्रांसपेरेंट करके यहाँ पे,
पे इसके लिए इसको ले आएंगे। हमें ये दोबारा इसकी बैकग्राउंड साफ कर लेंगे। तो इसकी बैकग्राउंड हमने दोबारा साफ कर ली, तो हम डन पे आ जाएंगे। ये इसका दोबारा बैकग्राउंड साफ हो गया। चलो फिर दूसरा पेज ऐड करते हैं। इसके बाद टीचर्स के भी हो गया, इंट्रोडक्शन भी हो गई। अब इसकी जो गोल्स हैं, मतलब इस स्कूल के जो गोल्स हैं, इसे जो हासिल करना है उसके बारे में हम लिख लेंगे। पेयर आहे में इसके जो कम इसके कंपनी के या स्कूल के जो सर्विसेज हैं, मतलब इसने जितने सर्विसेज दिए हुए हैं वो उसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर लेंगे। या इसने जितने टाइम में इस स्कूल ने तरक्की की है वो उस तरक्की के बारे में थोड़ा लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो यहाँ पे हम स्कूल के प्रोग्रेस के बारे में थोड़ी डिफाइन कर देंगे। और आप अगर इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके थ्रू इसके लाइन स्पेसिंग भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे कैपिटल और वो भी कर सकते हैं। तो हम दूसरे पेज में जाते हैं। दूसरे पेज में हम इसके बेस्ट अचीवमेंट, मतलब इसके स्टूडेंट्स, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उसने क्या क्या कारनामे दिए किए हैं उसके बारे में आप थोड़ा लिख सकते हैं कि ये स्कूल ऐसा है या वैसा है। फिर हम दूसरे में इसको यहाँ पे डायरेक्ट इसके जो है स्कूल के बारे में लिख लेंगे कि स्कूल यहाँ पे वाक्य है और ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम स्कूल के मतलब जो यहाँ पे सिचुएटेड है या स्कूल एड्रेस लिख सकते हैं। फिर स्कूल के कौन कौन से ज़राए के साथ हम उसके कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ब्राउज़र के थ्रू, ईमेल के थ्रू और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो आपको ये आप इस तरह इसके बारे में प्रेजेंटेशन आप किसी को भी दे सकते हैं, मतलब आपकी कोई कंपनी हो उसमें भी आप बहुत अच्छी तरह इसमें प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और आप उसे खुद क्रिएट भी कर सकते हैं। तो आपको कैसे लगा हमारा आज का ये वीडियो? आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हम बेल आइकन को बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।